For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss an update from Bollywood Spy. सलमान खान के बहनोई आयुष शर्मा ने प्रूव कर दिया है कि उनसे बेहतर डांसर और उनसे बेहतर डिस्कवरी इन 2018 कोई भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, रंग तारी सॉन्ग फाइनली इंटरनेट पर दस्तक दे चुका है और एकदम हाई टेम्पो सॉन्ग है, मस्ती मजाक फन और सारी ही चीज़ों से, सारे ही जो बेहतरीन एलिमेंट्स होते हैं जिनसे सॉन्ग को बेहतर बनाया जा सकता है, सारे ही एलिमेंट ठूस ठूस के भरे हैं। चाहे वो सिंगर ले लीजिए, चाहे वो आप राइटिंग ले लीजिए सॉन्ग की यानी कि लिरिक्स ले लीजिए, या फिर आप म्यूजिक ले लीजिए, या फिर यो हनी सिंह का तड़का ले लीजिए। यो हनी सिंह ने दोस्तों एक बार इसमें जो है, पहले वो साउथ में लुंगी डांस लेकर आए थे और अब वो रंगतारी लेकर आए हैं जिसमें कि वो थोड़ा बहुत गुजराती में रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं रंगतारी सॉन्ग के बारे में कि इसमें क्या है खास और आप इसको सुन सकते हैं या नहीं। सबसे पहले मैं थोड़ी सी बात क्लियर करना चाहता हूं कि अभी जन्माष्टमी हुई थी तो जन्माष्टमी के टाइम पे अगर रंगतारी सॉन्ग को रिलीज किया जाता तो इसका एक अलग जादू होता, क्योंकि ये जो सॉन्ग है ये एक हाई टेम्पो सॉन्ग है और जिस तरीके से जन्माष्टमी में जो बाल गोपाल होते हैं मटकी फोड़ते हैं तो सेम बैकग्राउंड जो स्कोर है उसका वैसा ही है, एकदम ढिचक ढिचक टाइप का है दोस्तों और पूरे फील के साथ है, वो पूरे आपको जन्माष्टमी की फील देगा और प्लस कृष्ण जी का भी बार बार वर्णन है सॉन्ग में तो डेफिनेटली वो फीलिंग आती ही आती है। आयुष शर्मा के डांस का मैं दीवाना हो चुका हूँ, मुझे चौगाड़ा में उनका डांस बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगा और रंगतारी में वो एक स्टेप आगे गए हैं। मुझे लगता है लवरात्रि सॉन्ग म्यूजिकल होने वाली है और म्यूजिकल से ज़्यादा जो अगर बात करूँ वो ये जो फिल्म है आयुष शर्मा के लिए ही होने वाली है। आयुष शर्मा के टैलेंट को, उनके डांसिंग ले लीजिए, उनकी बॉडी ले लीजिए, उनके डायलॉग डिलीवरी एक्सप्रेशंस ले लीजिए, इन सभी चीज़ों को ही पूरी तरीके से सॉन्ग में दिखाया गया है। वेल सॉन्ग की शुरुआत में हम आयुष शर्मा की हॉट रिब्ड बॉडी देखते हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं, हंक लग रहे हैं और मैस्कुलर लग रहे हैं। उसके बाद वो फटाफट कपड़े चेंज करके कूद जाते हैं कॉलेज फेस्टिवल में। जी हाँ, ये जो सेटिंग है ये कॉलेज फेस्टिवल की है, एक कोई कंपटीशन चल रहा है जहाँ पे अलग अलग तरीके के डांसर हैं, स्टार्टिंग हम सॉन्ग में देखते हैं। लाइटिंग की अगर बात करूँ तो एकदम परफेक्ट लाइटिंग है, जिस तरीके से फेस्टिवल माहौल होता है, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे उस टाइम का जो माहौल होता था जब एनुअल फेस्ट होते थे तो वैसा ही सेम माहौल है और उस पर आयुष शर्मा का जादू। डेफिनेटली ये सॉन्ग दोस्तों थम्स अप देना चाहूँगा क्योंकि सॉन्ग में एनर्जी है, एंथुसियाज्म है और इसे गाया बड़ा शानदार तरीके से है। इसके जो सिंगर हैं वो हैं देव नेगी, जिन्होंने बटरफ्लाई सॉन्ग गाया था जब हैरी मेट सेजल का, और साथ ही साथ जिन्होंने नाच मेरी जहाँ भी गाया था दोस्तों ट्यूबलाइट फिल्म से, तो इस फिल्म में भी देव नेगी ने अपनी आवाज़ दी है और देव नेगी साहब आपने पूरे सॉन्ग के साथ एकदम जस्टिस किया है, आपकी आवाज़ अलग से ही खनकती है कानों में। तो अगर आप डीजे फ्लोर पे जाने वाले हैं जल्द तो डीजे फ्लोर पे ये गाना ज़रूर बजेगा जो कि है रंग तारी तूने आंखें हैं जब से मारी। हालांकि लिरिक्स थोड़े से तानिश बागची के नॉर्मल हैं, इतना कुछ इन्फ्लुएंसिंग नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से म्यूज़िक दिया है वो काबिले तारीफ़ है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा सॉन्ग, क्या आपको भी इतना ज़्यादा हाई टेम्पो लगा और क्या आप भी आयुष शर्मा के डांस के दीवाने हो गए हैं। सारी बातें बोल दीजिए और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ मैं हूं ना राहुल भोज लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। रंग तारी तूने आँखें हैं जब से मारी।